हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं डेविस ग्रीन मिंगल्स रूल, DGM रूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं DGM रूल। ये कहाँ का टॉपिक है? ये OMC ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, OMC का। ठीक है, तो इसके रूल पहले पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेंशली अटैक एट इवन कोऑर्डिनेटेड पोलीइंस। कहां पे न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेंशली अटैक करता है? इवन पर। हमारे पास दो तीन प्रकार के सिस्टम होंगे, इवन, ओड, क्लोज्ड, ओपन। ठीक है, तो आपने पहला रूल देख लिया, न्यूक्लियोफाइल कहां पे प्रेफरेंशली अटैक करता है? इवन कोऑर्डिनेटेड पर। कहां करता है? इवन कोऑर्डिनेटेड पे। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल एडिशन टू ओपन कोऑर्डिनेटेड पोलीइंस इज प्रेफर्ड ओवर क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड सिस्टम दे रखा होगा तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन कहां होगी? ओपन पर। कहां होगी? ओपन सिस्टम पर। हमने पहला पढ़ा इवन पर अटैक करता है, फिर अगर हमने सिस्टम ओपन और क्लोज्ड दे रखा है तो ओपन पर अटैक करता है। तीसरा रूल, तीसरा क्या कहता है? इवन ओपन पोलीइंस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑलवेज अकर एट द टर्मिनल कार्बन। इवन जो पोलीइंस है उस पर कहां अटैक करेगा? ये टर्मिनल पोजीशन पर। कहां करेगा? टर्मिनल कार्बन पर। ठीक है, लास्ट रूल इज इन केस ऑफ ओल्ड ओपन पोलीइंस अटैक एट द टर्मिनल कार्बन अकर्स ओनली इफ। ओड पर तभी टर्मिनल पोजीशन पे अटैक करेगा, कब? जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। कहां पर? सेंट्रल मेटल पर। सेंट्रल मेटल पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तभी न्यूक्लियोफाइल ओल्ड पोलीइंस पर टर्मिनल पोजीशन पर अटैक करेगा, अदरवाइज पोलीइन टर्मिनल पर अटैक, न्यूक्लियोफाइल पोली ओल्ड पर अटैक टर्मिनल पोजीशन पर नहीं करेगा। तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा मेटल पर। ठीक है, तो रिपीट कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इवन पर, ओपन और क्लोज में ओपन पर प्रेफर करता है, इवन ओपन पोलीइंस में कहां अटैक करता है? टर्मिनल कार्बन पर, और ओल्ड पर टर्मिनल पे तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा मेटल पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए चार मैंने प्रॉब्लम्स लिख रखी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लिखना चाहो लिख लो पॉज करके, ये चार रूल आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये ट्राई करते हैं, देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। अब हमारे पास ये क्या दे रखा है? Neta 6 है। क्या ये Neta 6 है? और ये क्या है? Neta 3। और ये क्या है? Neta 4। तो अभी मैंने बताया ओपन और क्लोज्ड में, यहाँ पे क्या था? ओपन। ओपन सिस्टम पर प्रेफर्ड होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ओपन में प्रेफर्ड होता है, और इवन पर ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ओड और इवन में इवन पर प्रेफर्ड होता है। ठीक है, अब अटैक करवा दीजिए। इवन में कहां पे अटैक करता है? टर्मिनल कार्बन पर। कहां अटैक करता है? टर्मिनल। तो ये भी टर्मिनल है, ये भी गैस का टर्मिनल है, कहीं पे भी अटैक करवा दीजिए। क्या बनेगा? मैं यहां लिख देती हूँ इसका मोलिब्लेडिनम। अटैक करवा दिया इसने मिथाइल का, सॉरी एच नेगेटिव ने यहां अटैक किया, यहां अटैक किया, क्या बनेगा? CH3 था, CH2 था, क्या डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ना, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा यहाँ? CH3, और जो यहाँ पर है वो एज इट इज। ठीक है, तो ये एच नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, यहाँ बन गया CH3, बाकी ये जो भी बचा हुआ है ग्रुप वो सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस हमें अटैक देखना है कहाँ पर होने वाला है, बाकी हम खुद कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है? Neta 5, ये भी क्या है? Neta 5, और ये क्या है? Neta 3। अब हमें ये भी पता है ओपन और क्लोज भी ओपन पे प्रेफर्ड है, और ये क्या है? ओड है, 1, 2, 3 है ना, Neta 3 है, ये ओड है, ओड है, तो कहाँ अटैक होगा?
ड्रॉइंग नहीं लगा तो टर्मिनल पर पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होती है, है ना। तो कहाँ अटैक होगा, यहाँ पर। कहाँ अटैक होगा, यहाँ पर। मैं बना देती हूँ क्या बनेगा, टंगस्टन। यहाँ अटैक होगा किसका, मिथाइल नेगेटिव लिया मैंने तो हमारा ये बनेगा यहाँ पर CH3। बाकी जो ग्रुप्स लगे हैं वो सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एज इट इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बस ये देखना है कि अटैक किधर होने वाला है। नेक्स्ट, ये क्या है, Neta 5 है और ये क्या है, Neta 3 है। क्लोज और ओपन सिस्टम में कहाँ अटैक होता है, ओपन सिस्टम पर। और ओपन सिस्टम ये क्या है, ओड है, ओड ओपन पॉलीइन है। अब ओड ये यहाँ पे दो दो विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, दो दो विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं मेटल पर, तो कहाँ अटैक होगा। ओड सिस्टम है तो टर्मिनल कार्बन पे कहाँ अटैक होने वाला है, टर्मिनल, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। तो क्या बनेगा हमारा अटैक करवाना है, ओ एम ई नेगेटिव का, तो मोलिब्लेडेनम, एम ओ अटैक करवा दिया मैंने, ओ एम ई नेगेटिव का यहां पर, यहां करवा दिया, जो बच गया सिस्टम यहां CH 1 2 3 यहां आ गया ओ एम ई, बाकी सेम, ठीक है, बाकी सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस हमने ये बस देखना है, ये विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, ओड सिस्टम है तो कहां अटैक होने वाला है, टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है, बस ये चेक करना है। और इतना इजी है और ये आता भी है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये CO ग्रुप, ये भी CO ग्रुप, ये Neta 5 दे रखा है और ये इथीन दे रखा है Neta 2। अब Neta 5 और Neta 2 एक क्लोज एक ओपन, ओपन इज प्रेफर्ड, ठीक है, ओपन इज प्रेफर्ड और इवन है ये, वैसे भी इवन है तो अटैक कर दीजिए एच नेगेटिव का, क्या बनेगा ये एफ ई, क्या बन जाएगा CH2 CH3। एच नेगेटिव अटैक करेगा ना यहां पर, क्या बन जाएगा CH3, बाकी सेम CO CO, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रख कर देते अगले में क्या देखा है, ये Neta 6 है, ये Neta 6 है, ये Neta 4 है, ये Neta 3 है। तो ओपन और क्लोज्ड में ऑब्वियसली ओपन, ऑड और इवन में इवन सिस्टम प्रेफर्ड होगा और इवन सिस्टम प्रेफर्ड है, कहाँ अटैक करवा दो, कहीं पे भी, यहाँ पे चाहे यहाँ अटैक करवाओ चाहे यहाँ अटैक करवाओ, ठीक है। ये MO लगा है तो मैंने अटैक करवा दिया, यहाँ करवा दिया चाहे या यहाँ करवा दिया, एक ही बात है। तो क्या बनेगा, और यहाँ आ जाएगा CH3, क्लियर है। बाकी सेम एज इट इज, जो ग्रुप लगे हैं वो सारे के सारे सेम। बस इतना ही था, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, अब आप बहुत इजीली कर पाएंगे, बस ये कुछ रूल्स आपको याद करने हैं। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, DGM रूल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।